केदारनाथ रूट से जुड़ी हुई। केदारनाथ रूट पर रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मौसम खराब होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भर पा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर जिनको लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ रूट से पिछले 24 घंटे में 5000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन केदारनाथ रूट पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम से रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है यहां पर लोगों को बाहर निकालना। केदारनाथ रूट से जुड़ी हुई केदारनाथ रूट पर रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मौसम खराब होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भर पा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर जिनको लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ रूट से पिछले 24 घंटे में 5000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन केदारनाथ रूट पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन खराब मौसम से रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है यहां पर लोगों को बाहर निकालना।